ये कहानी है 90 से पहले के कश्मीर की। ये कहानी है 90 से पहले के कश्मीरी सिनेमा की, सिनेमा हॉल की और लोगों के क्रेज की, जो बॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने थे। 1989 में उग्रवाद के चलते कश्मीर में कश्मीरी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। सिनेमा हॉलों को दरहम बरहम कर दिया गया और कश्मीर में से सिनेमा हॉलों का नेस्तो नाबूद मिटा दिया गया। 90 से पहले कश्मीर दिल्ली और मुंबई से फिल्मों के मामले में बहुत आगे था। यहाँ पर फिल्में शूट होती थी, फिल्में देखी जाती थी और यहाँ के लोग फिल्मों के ज़बरदस्त दीवाने हुआ करते थे। तो आइए याद करते हैं आज उन पलों को जब कश्मीरी अवाम खुश होकर सिनेमा हॉल में फिल्में देखा करती थी। ओ खते आया, आया ओ आया, बाइस्कोप पला आया। सदियों से कश्मीर का बॉलीवुड से गहरा रिश्ता रहा है। ना सिर्फ कश्मीर बॉलीवुड वालों की पहली पसंदीदा जगह थी, बल्कि यहाँ के लोगों को हिंदी फिल्मों का ज़बरदस्त क्रेज था। 1932 में भाई अनंत सिंह गौरी ने श्रीनगर के लाल चौक में पहला सिनेमा हॉल बनवाया, जिसका नाम रखा गया कश्मीर टॉकेज। बाद में इसका नाम बदलकर पैलेडियम सिनेमा रख दिया गया। 1947 में जनाब शेख अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर नेशनल पार्टी का हेडक्वार्टर भी पैलेडियम सिनेमा ही बना। नवंबर 1948 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और जनाब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी अवाम को संबोधित किया, तब पैलेडियम सिनेमा ही पृष्ठभूमि में था। पैलेडियम सिनेमा ही वो ऐतिहासिक जगह थी जहां से प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट का प्रॉमिस किया था। 1980 में कश्मीर में 15 सिनेमा हॉल थे, जिनमें से सिर्फ श्रीनगर में ही 9 सिनेमा हॉल थे। के लाल चौक एरिया में जो हॉल थे वहाँ अच्छी मूवीज़ लगती थी, नई मूवीज़ लगती थी, लेकिन भीड़ भी इतनी होती थी। सो वो कई बार फिर बाद में ऐसा हुआ, एक पिक्चर दो जगह रिलीज़ हुई तो ये लगता था हमको जहाँ कम रश होगा वहाँ चले जाते थे, बट देवर ऑल विद इन ए रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर्स और कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं था। यस, एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड जो सिनेमा हॉल था दैट वॉज ब्रॉडवे थिएटर, क्योंकि वहाँ पर क्राउड वगैरह ठीक ठाक बिहेव करती थी बिकॉज दैट वॉज ए कंटोनमेंट एरिया और वहाँ पर कई सारे इंग्लिश मूवीज़ लगती थी। सो इंग्लिश मूवीज़ देखने के लिए 2-3 सिनेमा हॉल होते थे, एक रिगल हुआ करता था, एक ब्रॉडवे हुआ करता था जहाँ देखे जाते। देन केम लेटर ऑन सम मोर सिनेमाज लाइक शाह थिएटर, जिसमें सिटिंग अच्छी थी, सीट्स अच्छी थी, दैट वाज अ लिटिल मोर पॉलिश सोफिस्टिकेटेड, तो उस हिसाब से जाते थे। अदरवाइज देयर नॉट मच टू चूज, कि ऑलमोस्ट सारे ही सिमिलर हुआ करते। और आपको सरप्राइज होगा कि जो कश्मीर का पहला थिएटर था वो पृथ्वीराज कपूर जी ने इनॉग्रेट किया था, तो उसको कहते ही पृथ्वी थिएटर थे वहाँ। दैट वॉज इन द मिडल ऑफ द सिटी, करणनगर में था वो, उसको पृथ्वी थिएटर ही कहते थे। सो थिएटर वॉज अ वेरी वेल डेवलप्ड मीडियम इन कश्मीर। एक वक्त था जब हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर बॉलीवुड वालों की पसंदीदा जगह थी। एक दौर था जब ना तो सिनेमा बनाने वालों को कश्मीर से परहेज था और ना ही कश्मीरी आवाम को सिनेमा से परहेज था। तब मैं खाली 19 साल का था जब मुझे पहला फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो थी फेमस फिल्म बॉबी की। कश्मीर में एक ट्रैवल एजेंसी थी राजदान ट्रैवल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि कश्मीर में बॉबी की सारी शूटिंग का। उसमें सबसे ये था कि बॉबी में हमको 50 लड़कियां चाहिए और ये 50 लड़कियां होनी चाहिए थी एज ग्रुप ऑफ 14 to 16। तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और मैंने कहा जी राज कपूर जी का ये फिल्म है, शूटिंग यहाँ होगी, तो ये लगभग 10 दिन रहेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी मैं तो मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं राज कपूर को देखूंगा, वो तो हमारे लिए तो टॉप हीरो है। और इस तरह डीएवी रैनावारी से जितने भी 9th और 10th क्लास की लड़कियां थी, और उसके बाद ये फैल गई बात रैनावारी में
कि राज कपूर जी अपनी बॉबी फिल्म में 50 लड़कियां चाहिए और रैनावारी से पूरे 8 दिन 10 दिन के लिए ये सारी लड़कियां, हमने 2 बसें अरेंज की और ये शूटिंग चली शालमार में, ये शूटिंग चली चश्मशाही में, ये शूटिंग चली गुलमर्ग में, ये शूटिंग चली पहलगाम में और पूरा उस समय मैं इनके साथ में था और मेरी 2 बहनें भी इस शूटिंग में थी और मतलब सारी तो बहनें ही थी क्योंकि सारी रहनावारी की लड़कियां थी इसमें। मैं राज कपूर जी की एक बात बताना चाहता हूँ कि वो इतने सेंसिटिव थे कि 2 बच्चियाँ थी वो मतलब कुछ हिलडुल रही थी, शूटिंग उधर से हो रही थी, वो गया और उनको काम में बोला आपको क्या बाथरूम जाना है क्या, तो वो खुद गए सारी शूटिंग रोक के, वो 7वीं 8वीं में पढ़ती थी उनके साथ बाथरूम तक चले गए। मतलब इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा प्रोड्यूसर वो ये काम कर ले। तो मुझे ऐसे कई पिक्चरों का मौका मिला, जैसे अभी बात चली रोटी की जिसमें राजेश खन्ना थी, फिर बात चली रॉकी की जिसमें जो संजय दत्त और टीना मुनियम थी, और इसके बाद खून पसीना की शूटिंग। तो हम एक रिसोर्स पर्सन बन गए बॉलीवुड सिनेमा के। 90 से पहले कश्मीर में फिल्मों का ज़बरदस्त क्रेज था। कुछ लोग तो अपना हनीमून इस तरह शेड्यूल करते थे कि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकें। वो रोमांटिक फिल्मों का दौर था। न्यूली वेड कपल सिनेमा हॉल में ज़िंदगी के रंगीन पलों की ज़बरदस्त अनुभूति करते थे और ये हसीन पल उनकी पूरी ज़िंदगी को रोमांस से लबालब भर देते थे। 1990 से पहले एक फिल्म का पैटर्न हुआ करता था, रोमांटिक फिल्म्स हुआ करती थी, राजेश खन्ना का दौर हुआ करता था, धर्मेंद्र का दौर हुआ करता था, मनोज कुमार का दौर हुआ करता था, और यही 2-3 गिने चुने हीरोज थे जिनकी फिल्में चलती भी थी और बिकती भी थी और जिनकी फिल्मों का कश्मीर के साथ काफ़ी जोड़ हुआ करता था। मैं एक फिल्म की आपको बताऊंगा, रोटी थी फिल्म, रोटी सारी पहलगाम में बनी है। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। और जिस वक्त राजेश खन्ना और मुमताज़ वहाँ पर देखने आए, वहाँ पर मैं भी देखने गया कि भाई शूटिंग की बात चल रही है। और मज़े की बात यह है कि जिन दिनों कर्मा की शूटिंग हो रही थी जिसमें दिलीप कुमार थे, सुभाष घई की फिल्म थी, मैंने दिलीप कुमार से एक मीटिंग अरेंज करवाई, वो वहाँ पर पहलगाम एक गेस्ट हाउस में थे, तो 2 घंटा हमने उनके साथ बातचीत की। जिस दिलीप कुमार को हमने पर्दे पर देखा था, हम उसके साथ रूबरू थे और उसका जो वो आज भी सेंटिमेंट है वो आज भी मेरे दिमाग में है, जब भी मैं बात करता हूँ मैं दिलीप साहब से मिला हूँ। वक्त के साथ साथ कश्मीर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग के लिए भी डेस्टिनेशन शूटिंग प्लेस बन गया। तमिल फिल्में आने लग गई, तेलुगु फिल्में आने लग गई और तेलुगु फिल्म थी मांझी मांझीला, शोभन बाबू और मंजुला देवी थी, 10 दिन शूटिंग रही, 15 दिन शूटिंग रही होगी, तो उसमें भी हमको इसी तरह उनने बोला जी हमको 50 लड़कियां चाहिए, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए थे, तो हमने एकदम से वही रैनावारी से 50 लड़कियां ले ली। रैनावारी चूंकि डल लेक के किनारे पर है, मतलब इट इज़ इनर वाटर्स ऑफ डल लेक, तो इसलिए चाहे वो जब जब फूल खिले हो, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वो सारी इनर वाटर्स पर जो गाने हैं
वो हमारे रैनावारी का शिव मंदिर है, कई हमारे मोहल्ले वालों के मकान हैं, ये सारा हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, चाहे वो शमी कपूर की पिक्चर्स है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला, और एक समय मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल बी फुल फ्लज्ड वर्किंग विद बॉलीवुड। हॉलीवुड भी की भी पिक्चरें शूट के लिए आती थी, और एक जिसका मुझे अभी याद है, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब सुरेंद्र कोल ने काम किया है, वो पिक्चर थी माया। ये हॉलीवुड की मूवी थी वे बैक इन अर्ली 70s। वही देखो तस्वीर लाया, लिख के तस्वीर लाया, होचे मेरी तदबीर देखो, गोरे की तोप लाया। वादी में लाल चौक पर खुलने वाला दूसरा सिनेमा हॉल था रीगल, जिसे एक पंजाबी फैमिली ने खोला था। उन्हीं के वंशज रोहित बल आज एक जाने माने फैशन डिजाइनर हैं। बहुत से पुराने लोगों का मानना है कि 1980 में श्रीनगर फिल्मों के मामले में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कहीं आगे था। बहुत सी हॉलीवुड फिल्में दिल्ली से भी पहले श्रीनगर में रिलीज़ हो जाया करती थी। हॉलीवुड फिल्मों के टाइटल अक्सर रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो जाया करते थे, हालांकि ये ट्रांसलेशन कभी कभी बहुत हास्यास्पद हो जाती थी। जैसे हॉलीवुड फिल्म थ्री मस्कीटियर्स का उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया तीन हरामजादे। हमने इंग्लिश की बहुत पिक्चरें देखी, इंग्लिश में रन एंड कट, चक नोरिस, ऐसे उसकी पूरी सीरीज देखते हैं हम। अच्छा, फिर हमने ब्रूस ली की बहुत हम लाइक करते थे देखना पिक्चर्स। आप पूछिए मत इस पिक्चर में क्या, इनके अंदर तो मेरा इतना डेप्थ में है कि भाई अगर मैं इसके बारे ज़्यादा बोलूँगा तो मैं रो दूँगा। उससे पहले ही जूडो जो है हमने उससे पहले ही ज्वाइन कर लिया था, मार्शल आर्ट भी हमने ज्वाइन कर लिया था सीखना थोड़ा बहुत। हमारे दोस्त लोग तो आजकल बहुत बड़े हैं, जो हमारे साथ ही होते हैं बहुत बड़े, एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी है मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा है, विक्रम कपूर राजबाग में रहते थे वो, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। शौकत था, वो जूडो में बहुत अच्छा पहुंचा, ये अपना डलगेट का था। ऐसे कई अच्छे दोस्त थे जिन्होंने देश में भी नाम अपना ऊंचा किया, विदेश में भी किया। कश्मीर में तो 99% इट वॉज इंडियन मूवीज, जो इंग्लिश मूवी के लिए दो थिएटर हुआ करते थे और उसमें भी दो शोज होते थे, तो उसके लिए बहुत ही सिलेक्ट क्राउड होती थी, पर्टिकुलरली टिल 1980 के बाद थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक रेडियो पे आया तो लोगों का इंटरेस्ट हुआ, और कुछ मूवीज़ जो इंटरनेशनल हिट्स थी, जो जैसे बॉनी एम थी, एबा थी, ऐसी ऐसी मूवीज़ आई, तो उसने थोड़ा अट्रैक्ट करना चालू कर दिया और एक नई ऑडियंस क्रिएट की, जो यूथ था कश्मीर में पोस्ट 80 का यूथ जो था, उसमें उसने एक जगह क्रिएट की एंड वी मूव टुवर्ड्स दीज इंटरनेशनल मूवीज। और फिल्मों की शूटिंगों के दौरान अक्सर कश्मीर के लोकल टैलेंट को भी अपनी अभिनय क्षमता को दिखाने का अवसर मिल जाता था, फिर चाहे वो लोकल टैलेंट इंसान हो या जानवर। मेरे हमारे घर में एक डॉगी था, उसने काम किया है। कौन सी फिल्म में? रोटी पिक्चर में किया था। हमारे डॉग के नाम था रॉक्सी, वो डॉबरमैन था, डॉबरमैन। हम लोग वैसे ही घूमने गए थे गुलमर्ग, तो उसमें वहाँ पे उनको पसंद आ गया, बिकॉज वो पुलिस डॉग था। मेरा जो बड़े हुए ताऊजी थे वो DIG थे, मतलब जेके पुलिस में DIG थे, तो उनके पास वो पुलिस डॉग था जिनकी छोटी दुम होती है, उसको डॉबरमैन कहते हैं। तो वो उनको शूटिंग वालों को उनको पसंद आ गया था, उन्होंने मेरे हिसाब से उस टाइम पे दे हार्डली टुक हिम फॉर 15 मिनट्स, एक शॉट था 15 मिनट का, उसमें लिया था उन्होंने। एंड उस टाइम पे दे पेड अराउंड
2500. He was totally trained, fully trained था, long jumps, high jumps, कहीं भी कोई सामान छोड़े वहाँ से लेके आता because of smelling power. फिरदौस ने क्या खूब कहा है, अगर फिरदौस बारू रोए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। फिल्में देखने का मज़ा तभी है जब पॉकेटें फुल हों और खाने पीने की मौज हो, फिर तो ये कश्मीर स्वर्ग है। इतना मज़ा करते थे पूछे में और इन्जॉय करते थे फिल्म देखने को, ये नहीं कि ऐसे जा रहे हैं, हमारे पॉकेट फुल होते थे खाने पीने की चीज़ों से, हम वहाँ कम से कम अगर एक पिक्चर में हमारे 5.5 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं, 7 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारे जेब में कम से कम 100 रुपया तो ऊपर खाने के लिए होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। खाने के बहुत शौकीन तो खाते खूब थे, पिक्चर हॉल जाते थे और हर दिन ही समझे हम पिक्चर देखते थे, या तो पिक्चर देखते थे या पोलो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, या फिर हम एथलेटिक के लिए अपने ग्राउंड में होते थे जिसमें बड़े बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे। बस ये हमारे शौक थे, खेलना कूदना और पिक्चर देखना, पढ़ाई से हमें ज़रा थोड़ा सा हम साइड में रहते थे। कश्मीरियों के जहन में आज भी वो यादें वाबस्ता हैं जब वो अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन से रूबरू हुए और अपने चहेते सितारों को हकीकत में देखा। मैं सेंट्यूर होटल में एक कंसल्टिंग डॉक्टर हुआ करता था, धर्मिंदर की बेटी जो उसकी वो जो एक बेटे जो हीरोइन भी थी वो बीमार हो गई, धर्मिंदर ने खुद फ़ोन किया मेरी मिसेज को, मैं क्लिनिक पे था, मेरी मिसेज ने मुझे क्लिनिक पे फ़ोन किया धर्मिंदर फ़ोन कर रहा है, तो मैं तो यकीन ही कर, मैंने कौन धर्मिंदर फ़ोन कर रहा है, बोले हीरो, मैं उसको क्या हो गया, बोले जी वो सेंट्यूर में उनकी बेटी बीमार है। तो मैं गया वहाँ जहाँ धर्मिंदर जिस सूट में बैठे थे, दरवाज़ा खोला तो धर्मिंदर साहब ने खुद दरवाज़ा खोला, वहाँ पर मैंने हेमा मालिनी देखी, उसकी बेटी का इलाज किया, तो धर्मिंदर साहब मुझे बोल रहे आपका फ़ीस कितना है, यकीन मानिए मेरे मुँह से निकल नहीं रहा है, मैंने बोला नहीं साहब आपसे फ़ीस नहीं लूँगा, बोले क्यों, मैंने बोला यू आर माई आइडल, वो भी हंस गए और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे शूटिंग के लिए बुलाया था और उस दिन शूटिंग हो रही थी ऐलान जंग, जो पूरी सेंट्यूर होटल में फिल्म हुई थी, और ऐलान जंग में गया वहाँ पर, उन्होंने मुझे बड़े आदर सत्कार से वहाँ पर रिसीव कर दिया, ठंडा पिलाया, गर्म पिलाया, चाय पिलाई। बोल सिया रामचंद्र की जय, वरना तुम्हारी ये टेढ़ी उंगली तुम्हारे नाक में घुसेड़ दूँ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, यानी कि 1 2 3। कि मुझे ईश्वर ने बहुत इम्पोर्टेंट जॉब दे दिया एक बार 2 दिन के लिए, वो है कि टाइटेनिक की हीरोइन के साथ था मैं, विनिस्टलिस के साथ, और जब मुझे कंपनी ने, एक कंपनी का मुझे फ़ोन आ गया, बोला जी आपको उत्पल जी 2 दिन देने हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट 2 लेडीज़ हैं, यंग लेडीज़, उनको आपने घुमाना है चांदनी चौक और वो ये बिरला मंदिर भी लेना है, इधर भी बातचीत करनी है आपके साथ, इंडियन कल्चर पर बात होगी वो होगी। और मैं तो गया उनको, शायद इम्पीरियल होटल में थी कि ताज में थी, मैं उनको ले लिया, मैंने समझा ये अमीर घराने की होंगी, बहुत पैसे वाली होंगी क्योंकि कार भी मर्सिडीज़ वगैरह थी, तो घुमा लिया। अब वहाँ क्या होता है हमारा सिस्टम, जब हम जामा मस्जिद जाते हैं तो हम फिर रिक्शे में होते हैं, तो रिक्शे में जब मैंने ये करवाया तो उन्होंने गॉगल वगल लगाया था ये, तो मुझे कुछ नहीं पता कौन है, एक्ट्रेस है क्या है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं। और फिर मैंने जब लाल किला वगैरह देख लिया कुछ, तो फिर जब चाय पर बैठे तो उन्होंने बोला विच मूवीज़ यू हैव सीन इन हॉलीवुड, तो मैंने बोला गन्स ऑफ नेवरॉन, बैटल ऑफ द बल्ज और ये ड्रैकुला, तो वो हंसने लग गई, बोली दे आर ओल्ड मूवीज, वी वर नॉट बॉर्न दैट टाइम, तो हम पैदा भी नहीं होते जब आपने ये पिक्चरें देखी हैं, तो अब मुझे मॉडर्न पिक्चरों का पता ही नहीं था क्योंकि मैंने देखी नहीं थी, लेकिन उनने कोई आइडेंटिटी नहीं बताई। दूसरे दिन फिर जब हम मामला ख़त्म हुआ तो उन्होंने बोला नाउ वी कैन सिट फॉर लंच और वी कैन हैव सम स्नैक्स, तो उन्होंने गॉगल वॉगल हटाया तो उन्होंने बोला ये जो लेटेस्ट मूवी आई है टाइटेनिक आपने देखी है क्या, तो मैंने बोला नो बट आई हैव सीन इट इज़ प्रोमो, मतलब ना प्रोमो थी वो आते थे, तो टाइटेनिक वाला ऐसा था।
great that he was. All right, open your eyes. I have seen the Titanic movie. तो बोला रिमेंबर दैट, तो उसने मुझे दिला, फिर मैंने कहा ओ आई एम सॉरी आई हैव नॉट सीन, बोला नो प्रॉब्लम हो ये, उसने मुझे वादा किया था शादी पर मैं तुमको कार्ड भेजूंगा, फिर उसको याद कह रहा होगा। वही देखो रज कपूर लाया, हेलन की हूर लाया, बल्ले कुकू की चूड़िया, वही मोटा सा गोप लाया, वही 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 लाया, लाया भाई। सिनेमा किसी भी समाज या सोसाइटी के कल्चर को मेंटेन करने में एक इफ़ेक्टिव टूल का काम करता है। घर में फिल्में देखने का अनुभव सिनेमा हॉल में फिल्में देखने के अनुभव से निहायत जुदा होता है। सिनेमा हॉल में फिल्में देखने का अनुभव बहुत सुखद होता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब हम जाने अनजाने अपने चहेते स्टार को कॉपी करने लगते हैं। उन दिनों दो स्टाइल्स बड़े कॉमन हुआ करते थे, एक तो अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल, वो बीच में यहाँ पर ऐसे करने का, और दूसरा राजेश खन्ना का। बीच में हमने बहुत कोशिश की लेकिन बीच में वो स्टाइल नहीं निकलता था। फिर हमने ऋषि कपूर स्टाइल को इमुलेट किया, क्योंकि ऋषि कपूर बॉबी को फिल्म लेके उन्हीं दिनों आए थे, तो फिर हम बॉबी स्टाइल ऋषि कपूर स्टाइल को इमुलेट किया करते थे और ऐसे चलते थे। लेकिन स्टाइल तो हेयर स्टाइल वो ऋषि कपूर था, लेकिन कपड़े हम कोशिश करते थे राजेश खन्ना को, वो जैसे वो बंद गला कुर्ता पजामा वैसे करते थे। सो दैट यूज्ड टू बी आवर पैशन दोज डेज, क्योंकि यही गिने चुने हीरो उन दिनों हुआ करते थे। ऑल टाइम ग्रेट एक्टर फॉर मी इज राज कपूर। मेरा राज कपूर बहुत पसंद है। बिकॉज ही इज नॉट ओनली एन एक्टर, ही इज प्रोड्यूसर, ही इज डायरेक्टर, ही इज थिंकर, मार्वलस, और एक से बढ़कर है एक। देवानंद है, दिलीप कुमार है, और इस वक्त अमिताभ बच्चन है। मतलब ये सारी जो हैं एक से बढ़कर एक है। 1964 में कश्मीर के खनियार में शिराज सिनेमा हॉल खोला गया, जिस पर सबसे पहली हिंदी फिल्म लगी राज कपूर की संगम। संगम फिल्म अपने समय की सुपर डुपर हिट साबित हुई। मेरे पिताजी ने संगम फिल्म 20 बार देखी, और मैं उनके साथ, मैं मुझे लगता है सेकंड प्राइमरी या थर्ड प्राइमरी में था कि मैंने भी पिताजी के साथ 4 बार संगम देखी। पर कहो तो, तुम हो मेरे जोगी, तुम हो मेरी जिंदगी, कहो ना, तुम हो मेरे जोगी, तुम हो मेरी जिंदगी। गले लगी सी उन दिनों, पहले पहले तो राजेश खन्ना हुआ करते थे, जिनको देख के मतलब आप मूवी थिएटर से निकले तो अपने आप को राजेश खन्ना ही समझते थे कुछ दिनों के लिए। ड्रेस वगैरह, ही वुड बी ए ट्रेंडी ड्रेस वेयर पर्सन, तो उनको फॉलो करते थे उन दिनों। देवानंद यूज्ड टू बी ऑल टाइम ग्रेट, उनका एक स्टाइल था, उनका एक स्टेटमेंट था, सो उनको भी फॉलो करते थे। इट वुड बी अ चेंजिंग ट्रेंड। देन केम बॉबी, उसने तो टोटल क्रेजी चेंज कर दिया, ड्रेस सेंस चेंज कर दी। यू विल बी सरप्राइज कि बॉबी जम्मू में पहले रिलीज हुई, बिफोर श्रीनगर, एंड देर आर पीपल हु वेंट फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू टू वॉच बॉबी एंड देन केम कम बैक द नेक्स्ट डे। दैट वॉज द क्रेज ऑफ द मूवी, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वॉज शॉट इन कश्मीर। अगर इंडियन इंडस्ट्री में देखें
तो मेरे राजकुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, अपने धर्मिंदर साहब को क्यों भूले हम? उनको तो मेरा कोटि कोटि सलाम है, वो हमारे ही मैन थे। क्योंकि हम भी ह्यूमन टाइप ही थे। ड्रेस कोड तो हम किसी का भी फॉलो नहीं किया, ड्रेस कोड सिर्फ हमने एक का फॉलो किया था, वो थे हमें मिथुदा। इनका ड्रेस कोड एकदम डिफरेंट था आजकल की जनरेशन से, उस वक्त यंग जनरेशन मिथुन को हम बहुत पसंद करते। लड़का अकेला, तू भी अकेली, मैं भी अलबेला, तू भी अलबेली, तेरा दीदार चाहिए, तेरा मुझे प्यार चाहिए। मेरे टाइम में तो मैं तो अब भी मानूंगा जी कि अमिताभ बच्चन ही रहे हैं जी फेवरेट हीरो। हालांकि उन दिनों जो है राजेश खन्ना का बड़ा जोर था, धर्मेंद्र बड़े टॉप पे चल रहे थे उन दिनों। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। लाया 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 चार्ली का टोप लाया, वही 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 लाया लाया बाइस्कोप लाया, लाया 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 बाइस्कोप लाया। 90 से पहले कश्मीर में लोग सिनेमा के दीवाने थे। वो लंबी लंबी लाइनों में 4 से 5 घंटे लगकर 5 से 6 गुना ज़्यादा कीमत देकर ब्लैक में टिकट खरीदते थे। बारिश या बर्फबारी उनके इस जुनून को कम नहीं करती थी। वो बस चाहते थे अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन को देखना। हीरोइन मुझे 2-3 हीरोइन ने बड़ा मुतासर किया। एक तो वहीदा रहमान थी और दूसरी जो उन दिनों मुमताज़ वॉज वेरी पॉपुलर दोज डेज, क्योंकि जो भी फिल्में आया करती थी मुमताज़ की थी। मुमताज़ था वो लव में ज़्यादा, उसमें उसका रोमांस में ज़्यादा था। लेकिन वहीदा रहमान का बड़ा सीरियस डिस्पोजिशन था। सीरियस डिस्पोजिशन का मतलब है उनकी एक फिल्म आई थी खामोशी, और वो खामोशी मुझे आज तक याद है जो वो नर्स का रोल करती है और फिर वो खुद पागल हो जाती है, वो आज भी मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन लेके बैठे और इम्पैक्ट लेके रहती है। वहीदा रहमान का मेरे दिल पे काफ़ी इम्पैक्ट है। मैं उनको काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस मानता था, और जब भी वहीदा जी की फिल्म आती थी तो हम दौड़ पड़ते थे फिल्म देखने के लिए। मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम तक मैंने बहुत फिल्में देखी होंगी अपने एल्डर्स के साथ में, और अब कभी एक आध बार साल में एक बार या 2 साल में एक बार देखता हूँ मूवी। और अभी भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, और मेरी मिसिस से अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे इनकी नीतू सिंह पसंद है, तो मतलब नीतू सिंह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। सब सुंदर, सब जैसे सीमिता पाटिल, जिसका कोई जिक्र नहीं आज करता, मेरी फेवरेट में से थी। पाटिल किससे डर रही है? हाँ, किससे डर रहा है तुम्हें? बोलो। अपने आप से, सबसे अच्छे से डर रहा। इंदर कहाँ है? इंदर कुछ नहीं कर सकता, वो खुद डरा हुआ है। आप आ जाइए प्लीज। कमी साहब, हुआ क्या है तुम्हें? यहाँ अपनी रेखा मेरे फेवरेट में से थी।
मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू तेरी। एक सिर्फ हाँ, परवीन बाबी का क्या कहना, उसके तो आशिक थे, उसे तो हम इश्क करते थे, सारी फिल्में देखते थे। और हीरोइंस में तो उन दिनों हेमा मालिनी थी ऑब्वियसली, तो उनका बड़ा दबदबा था। मुझे याद है हेमा मालिनी वहाँ शूटिंग के लिए गुलमर्ग आई थी, उनका वहाँ इनविटेशन था बारामूला में। एक हमारे एमईएस के कॉन्ट्रैक्टर थे सरदार प्रतपाल सिंह जी, और उन्होंने उनको बुलाया था। हमें भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि यंग एज में हेमा मालिनी को देखा था, बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई थी और उनके यहाँ गई थी। वो एमईएस के कॉन्ट्रैक्टर थे, मुझे अब भी याद है। और बड़ा वो रहता था, ये सिक्योरिटी और ये सब इश्यूज तो खैर थे नहीं इतने ज़्यादा उन दिनों, जनरल पब्लिक ही थी मेरे ख्याल में, कोई पुलिस वाला भी दाएं बाएं नहीं था, बस पब्लिक को भी बातचीत भी हुई। तो फेवरेट हीरोइंस में हेमा मालिनी थी। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, तौबा ओ मेरी तौबा, करते हैं सब इशारे, तौबा ओ मेरी तौबा। ओ मेरे राजा, वही 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 लाया लाया भाई इसको बुला, नब्बे से पहले कश्मीर में कुछ लोग जो पूरी फिल्म का टिकट नहीं खरीद पाते थे, आधी फिल्म का टिकट खरीद कर कश्मीर में फिल्म का लुत्फ लेते थे। छुप छुप कर फिल्म देखने का तो अपना ही मज़ा होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने स्कूल या कॉलेज बंक करके या घर वालों से छुप कर फिल्म ना देखी हो? नो, छुप छुप के फिल्में नहीं देखते थे, खुल के देखते थे। हाँ, जब पहली फिल्म हमने देखी तो छुप छुप के देखी। हमारे चाचा जी हुआ करते थे जिनसे हम बहुत डरते थे, और हम गए थे शिराज फिल्म देखने, कोई देव कुमार की फिल्म आई थी। फिर उसके बाद मुझे घर जाना था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि सारी फिल्म थर्ड क्लास में टिकट को लेके गई थी। तो जब मैं वापस जा रहा था, मैंने चाचा जी को देखा तो मैं किसी वो फैक्ट्री जो आरी काटते, मैं आरी में छुप गया ताकि ये चला जाए। उसके बाद तो फिर परमिशन ही परमिशन था, उसके बाद तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि कॉलेज गए, फिर मेडिकल कॉलेज गए, फिर थोड़ा अडल्टहुड की तरफ गए, तो फिर ऐसी कोई बंदिश नहीं आई। लेकिन हाँ, पहले पहले तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था पेरेंट्स को, भी पैसे देना है, फिल्म देखना है। और उन दिनों दूसरी बात ये होती, शंकराचार्य में ये ब्लास्टिंग हुआ करती थी, जो शंकराचार्य रोड बनती थी, बन रही थी उस वक्त 70s में, तो ब्लास्टिंग एक दूसरा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ करता था, जी हम ब्लास्टिंग देखने जाएंगे, और ब्लास्टिंग देखने के बहाने हम फिल्म देखा करते थे। मैं एसपी कॉलेज में पढ़ा हूँ 1981 में, 80 में खिस सकते थे, फ्राइडे को खिस सकते थे, अपना पिक्चर देते थे। हमारा सिनेमा हॉल वहीं पे था, रिगल सिनेमा, एसपी कॉलेज के सामने ही था, वुमेंस कॉलेज के साथ में, वहाँ पिक्चर देते थे ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे। लंबी लंबी सर्पाकार लाइनों में लगकर जब फिल्म टिकट हाथ में आ जाता था तो एक विजयी मुस्कान के साथ सिनेमा हॉल में प्रवेश करके फिल्म देखने का लुत्फ कुछ और ही होता है। मैंने जो सबसे पहले फिल्म देखी थी वायर ईगल डियर, वो भी घर से भाग के वो प्लेडियम में देखी थी। You get him. Something's got to be crazy. Just how'd your colonel expect anyone to get in there? No mistake, Lieutenant. This is the headquarters of the Wehrmacht Hauptquartier. Colonel Weissner, field security. Is it what happened? Gestapo. Any suggestion? मेरे साथ एक दोस्त होता था रूपा, और मैं उनका बड़ा भाई राजा भी था। हम क्या काम करते थे, हेल्दी बहुत थे। हमने सबसे पहले टिकट निकालनी, दो टिकट उसने निकालनी, दो टिकट मैंने निकालनी, और सबसे पहले पहला शो हमने ही देखना, हम निकाल भी लेते थे। और मेरी और उसकी जोड़ी थी, कहीं भी पिक्चर होता था मैं और वो हमेशा अव्वल होते थे पिक्चर देखने में। हमने स्कूल बहुत बंक किए,
कॉलेज बहुत बंक किए, मगर पिक्चर के बहुत बड़े आशिक थे। कई पिक्चरें देखें, इंग्लिश के तो हम पूरे देखते देखते थे, कोई भी हो। प्लेडियम में सुबह लगती थी 9:30 से 11 बजे तक एक पिक्चर इंग्लिश शो, वो तो देखनी ही देखनी, 7 से 9 वाली भी देखनी, फिर रिगल में लगनी इंग्लिश पिक्चर, वो तो देखनी ही, और ब्रॉडवे में हमने इंग्लिश पिक्चरों के तो शोधाई थे ही थे, इंडियन मूवीज़ भी हम टॉप करके अपनी देखते थे, कोई हमें उसमें नहीं था। हम लोगों को एक स्कूल से या कॉलेज से भागना ही एक एडवेंचर होता था। तो हमारे पास फिल्म तो बात की बात होती थी, पहले एडवेंचर होता था कि पैसे 90 पैसे जमा करके वो थर्ड की टिकट लेके, और वहाँ पे भीड़ काफ़ी होती थी कश्मीर में, देर बिग मूवी लवर्स। हाँ ये है कि लेट नाइट शोज़ नहीं हुआ करते थे, इमिजिएटली पहले हफ्ते में मूवीज देखी जाए, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कश्मीर जैसी जगह में भी कई फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई है, 6-6 महीने चलती थी मूवीज। दिलीप कुमार यूज़ टू बी द मोस्ट फेवरेट ऑफ लोकल्स, लेकिन वो बाकी लोगों को भी खूब से देखते थे। हाँ दिलीप कुमार की मूवी के लिए तो बहुत ज़्यादा वेट करते थे। किधर भी चलने को तैयार हूँ। तो फिर चलो। पहले तुम चलो। बहुत बातें बनाना सीख गए, घर चलो तो पता चलेगा। तुम भी घर चलो तो पता चलेगा। लेटर ऑन राजेश खन्ना बिकेम अ रेज, अमिताभ बच्चन बिकेम अ रेज इन हिज ओन टाइम। तो हम भी एक बेसिक चीज था कि भाई कॉलेज से यार निकलें और भागें, पिक्चर देखने चले जाएं। ये जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, और इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उन दिनों की किस टाइप की मूवीज। हाँ गाने वाने देखते थे, सो एक जेनरिक तरीके से मूवीज़ देखा करते थे। सबके अपने अपने फेवरेट हुआ करते थे, म्यूज़िक लवर्स थे, स्टोरी में इतना कोई दाव पेश नहीं होता था जितना आजकल सटेलिटी होती है, लेकिन उन दिनों इट वॉज मोर ऑफ एन आउटगोइंग, और कोई आउट हिसाब ही नहीं था बच्चों के। कॉलेज का लड़का ऑफिस से या स्कूल से निकल के कॉलेज से पिक्चर देख के चला जाता था, और पैसे भी नहीं होते थे और कोई तरीका, दिस वॉज द ओनली एंटरटेनमेंट। इवन हमारे जो दूरदर्शन में लाहौर हमारे वहाँ कैच होता था, लाहौर के हम प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखते थे, उसके लिए एंटीना हमारे लगते थे उस वक्त, यानी कि हमें एंटीना से ही सिग्नल आते थे। तो एंटीना से ही हमारे, उस एंटीना का अब तो लोग भूल गए होंगे, एंटीना को छेड़ना दाएँ बाएँ करना, हमने लाहौर का बहुत देखना है हमने प्रोग्राम, नीलामगर एक प्रोग्राम था वो बहुत हम देखा करते थे। कायद आजम ने कितनी गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की? दो जवाब दुरुस्त। गजलें बहुत सुना करते, बड़े गुलाम अली खान साहब की हम सुनते थे, और ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के हमें वो चैनल बहुत पसंद था। उसके बाद दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम एकदम टॉप और हिट हुआ करते थे, उनके प्रोग्राम हम बहुत देखते थे। दूरदर्शन प्लेड अ रोल, रेडियो कश्मीर प्लेड अ रोल, सो ये सारी चीज़ें पैरेलली चलती गई, बिकॉज दिस वॉज द ओनली लिमिटेड एंटरटेनमेंट कश्मीर में। हमारे उससे पहले, कॉलेज से पहले 75 के अंदर आया था बॉबी, वो आप प्लेड सिनेमा में देखी थी। बोलो ना। आप यहाँ? मैं अब कहाँ होंगी, मगर तुम? नहीं स्कूल एज में तो नहीं देखी है जी। खैर स्कूल में मैंने पहली फिल्म जो है शोले देखी है, जो शायद 1973 में आई थी। मैंने बारामूला में एक रेजिना सिनेमा हुआ करता था, वहाँ शोले फिल्म तो मैंने 3 मरतबा देखी है जी, लगातार 6-6 महीने में, क्योंकि बहुत पसंद आई थी। देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिझक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? भागते तो नहीं थे, ऐसा तो रिवाज नहीं था अपने यहाँ, पर जरूर फिल्में देखते थे सिनेमा हॉल्स में। और खसूसन मैं बताऊं कि मैं उन दिनों बारामूला में था, तो बालकनी में बैठ के जो है टिकटें खरीदी गई और फिल्में देखी गई हैं जी। ऐसी बात नहीं, शौक तो था, और फिल्में भी उन दिनों अच्छी आती थी, कलाकार भी अच्छे थे। फिल्मों की बात हो और गीत संगीत का जिक्र ना हो, ये तो बेमानी है। हर दशक में कुछ ऐसे गाने आते हैं जो आम जनता के मुंह पर चढ़ जाते हैं, फिर सुर में या बेसुरा होने से ऊपर उठकर
हर व्यक्ति उन्हें गुनगुनाता है। जब मैं अकेला होता हूँ या ट्रैवलिंग में पहाड़ों पर होता हूँ तो मैं गाइड के गाने मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अभी भी गाइड के गाने या संगम के गाने भी मुझे पसंद है। जब मैं विदेशियों के साथ होता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे मतलब बेसुरा बनाया है, मैं अच्छा गा नहीं सकता, लेकिन जब फॉरेनर्स होते हैं उनको नहीं पता सुर क्या है नहीं है, तो मैं गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी तो वो भी गा सकता है, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, नहीं कभी नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जाओ ना क्यों सताते हो, होगा होगा होगा। See, I love किशोर कुमार, I love मोहम्मद रफ़ी, एंड उन दिनों में जो भी ट्रेंडी होते थे वो चलते थे, और गाइड का फुल सेट ऑफ सॉन्ग्स आई लाइक आराधना, द सॉन्ग्स वेर वेरी गुड सॉन्ग्स, वी लव्ड जितेंद्र ऑल्सो, देर वर सम कैची सॉन्ग्स, फुट टैपिंग सॉन्ग्स होते थे तो वो भी अच्छे लगते थे, शादियों वगैरह में उस टाइप के गाने चलते थे, घर में बैठे होते थे तो इट वुड बी अ डिफरेंट एटमोसफेयर, या कहीं घूमने जाते थे सो उन दिनों कोई ऐसा मेन पहाड़ों पे तो जाते नहीं थे कश्मीर में, कि somebody is telling you it's not fair, बागों वागों में जाते थे, वहाँ थोड़ा और रोमांटिक हो जाते थे लोग। आई एम फ्रॉम REC श्रीनगर, वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी साथ थी तो थोड़ा बहुत फ्रीक आउट करते थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ ज़्यादा होती थी, यहाँ पे कम होती थी REC में, सो दैट वुड बी मोर ऑफ अ यूथ टाइप का, कि भाई लड़की देख ली कोई जो करंट मूवी चल रही थी वो गाना यू वुड विसल आउट। नशीली मस्त समा है आज, नशे में सारा जहां है, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। वो था मेरे को वो गाना बहुत अच्छा लगता था उस दिन में, जूली जूली ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया, जूली 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 जॉनी का दिल तुम पे आया, जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। बहुत अच्छा गाना, उसके अंदर डांस जो उसके स्टेप थे उसके टॉप का था, जो उसमें डांस किया था दाने टॉप का था उसमें, वो गाना मुझे बहुत, फिर एक सुहाग का गाना बहुत अच्छा था, फिर मुझे पुकार का गाना बहुत अच्छा लगता था, कस्मे वादे प्यारोफा आज की डेट में भी क्लासिकल गाना है। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले पुकार का वो गाना मुझे कभी नहीं भूलता, यानी कि मतलब टॉप का गाना था, प्राण ने इंट्रोड्यूस किया था ऐसे उसके डिफरेंट छवि बनाने के लिए मनोज जी ने, मगर मनोज जी ने क्या उसकी छवि पेश की और क्या उसने रोल किया, क्या बात है, प्राण साहब को भी भूलना नामुमकिन है। पुरानी फिल्मों के गाने में जो मौसीकी का जो अंदाज था और लिरिक्स बड़े क्लियर थे, समझ में आते थे गाने, आज की तरह नहीं है कि लिरिक्स ही ना समझे, तो यहाँ तो बास और जो है ये आजकल परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि जो मेन लिरिक्स हैं या जो संगीत का एक लहजा है या भाव है म्यूज़िक का वो कम मिल रहा है सुनने को, तो पहले के गाने जो पुराने गाने थे वो ज़रूर बेहतर थे आज के निस्बत। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। कश्मीर में होने वाली शूटिंगों ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छे टेक्नीशियन और सिनेमेटोग्राफर भी दिए, इन्होंने
फिल्मों में अपने हुनर का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। मेरे पिता ही मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे इस फिल्म लाइन में, या मैं उनको देख देख के सीखता रहा, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, वो मेरे गुरु थे। वो कहते थे अच्छा फिल्में देखो, सपोर्ट करते। अरे वो खुद शौकीन थे पिक्चर देखने के या पिक्चरों के, वो खुद शौकीन थे। पीछे से उनकी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी पैंट थी, जो उन्होंने इतना काम किया वो इंडस्ट्री में, उन्होंने एज ए कैमरा मैन ही शुरू किया था, फिर श्रीनगर से वहाँ शिफ्ट हुए थे, फिर श्रीनगर वापस आके उन्होंने फोटोग्राफी में शौक दिखाया, बड़े बड़े स्टूडियोज़ में उन्होंने काम किया, जैसे मेहतास को प्रीको, फिर अपना प्रीको के बाद डारले था, डारले के बाद अपना मिमिक के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, बहुत। फिल्म मेकर दीपक राजू कश्मीरी ने हमारे साथ अपने फादर की बहुत सी मेमोरीज शेयर करी। बाकी वहाँ के जो फोटोग्राफर जितने बड़े बड़े थे उनको उस्ताद जी के नाम से जानते थे, वेद जी के नाम से जाते थे, या गोंसल के नाम से, उनके उस टाइम में जब जवानी में थे वो, उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, तो कश्मीरी में बोलते हैं गोंसल जिसकी मूछें हों बड़ी बड़ी, तो उनको गुरु जी के नाम से जानते थे। कोई भेदभाव नहीं, कहीं भी खड़े होते थे तो उनको बहुत आदर देते थे, खासकर फोटोग्राफी इंडस्ट्री के लोग तो बहुत ही आदर देते थे। हर कोई कैमरा उनसे हमें देखने को मिला, कोई भी कैमरा 35mm, 70mm, 16mm हमने उनसे देखा, और अपने हाथों से खेलते रहे उनसे। और सबसे बड़ी बात, उन सब कैमरों के उनके पास नेचुरल हुनर था, वो रिपेयर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिपेयर करने में मास्टर थे, कलरिंग में मास्टर थे, ऑयल कलर में मास्टर थे। 1989 में चरमपंथियों ने सिनेमा देखना हराम करार दे दिया, जिसके बाद सिनेमा हॉल बंद हो गए। अब जिसको फिल्में देखनी हैं वो या तो केबल टीवी पर देखता है या फिर नेटवर्क के जरिए देखता है। कश्मीर में अगर यूं कोई कहेगा कि इस्लामिजेशन या वहाबिज्म इतना जबरदस्त था उन दिनों, मैं तो नहीं मानता। यहाँ तो ब्लैक टिकटें हुआ करती थी, खासतौर पे प्लेडियम और ब्रॉडवे, हमने खुद देखे जितने भी ब्लैक करे, चाहे अमीन धर्मेंद्र मुझे याद आ रहा है, चाहे मुझे इस्माल बेल्ट याद आ रहा है, यहाँ तो ब्लैक में भी टिकटें खरीदी जा रही थी। खयाम का अपना सिनेमा चल रहा था, यहाँ इंग्लिश मूवी चल रही थी, बल्कि जो है एक शो इवनिंग का होता था हमारे सिनेमा हॉल्स में, जो इंग्लिश मूवीज हमारे यहाँ चलती। तो ये कहना क्या आज की डेट में कोई कहेगा कि वहाँ पे वो अन इस्लामिक एक्ट है और ये, फिर तो ब्लैक नहीं होती ना टिकटें, इतने सिनेमा हॉल्स हमारे 11-12 थे। 18 अगस्त 1989 में टेररिस्ट ग्रुप अल्लाह टाइगर ने एक लोकल न्यूज़पेपर में प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिकर शॉप ऑनर और सिनेमा हॉल के ऑनर्स को अपना काम बंद करने का फतवा जारी किया गया। आज करीबन 37 साल बाद इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब ने भी आम जनता के मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉलों पर से बैन को हटा दिया है। तो फिर वादी कश्मीर में भी ऐसी कोई शुरुआत होनी चाहिए, वादी में मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनने चाहिए और वहाँ की यूथ को बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का सुअवसर मिलना चाहिए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल लाइव इमेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके अच्छे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और बदले में उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वही देखो तस्वीर लाया, लिख के तकदीर लाया, खोचे मेरी तदबीर देखो, गोरे की तोप लाया, वही 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 लाया।